मैंने कल पैसे दिए थे ना रखवाने के लिए, वो प्लीज मंगवा दो ना, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी आ रहा है उसको देने। विशु जी, कल हमने आपको बैग दिया था ना, आप प्लीज उसे ले आइए। मिश्र जी, इसमें 50,000 कम है। What? पैसे कम कैसे हो सकते? ससुर जी, हमें लग रहा है कि इस घर में एक बार सबकी तलाशी ली जाए तो। हम तो कहता है कि पुलिस को बुलाइए, वह पता लगा लेंगे का सच है और का झूठ। दुलारी दीदी, पैसे वापस कर दीजिए, हम नीचे जाके सबको कह देंगे कि वो पैसे हमारी ही अलमारी में थे। 50,000 रुपए इनके कमरे से निकले। बस बहुत हो गया, इस घर में उल्टा सीधा। आज के बाद ये दुलारी इस घर में नहीं रहेगी। अबू, हम घर पर रहे तुम्हारे, हमको नहीं जाना है अपने घर, तुम हमको रोक लो। नहीं है तो हम रहे, जाओ यहाँ से। ताकि हम तुम्हारे लिए चोरी किए थे, हमको चोर मत कर। क्या बकवास कर रही हो, हम बोले थे का तुमको चोरी करने के लिए? वो तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे साथ हमको कभी रुपया पैसा का कभी हुआ है का? आप तो सोचे थे कि उस शिष्टी को हमें चोरी में फंसा देंगे, ऐसा हम तुम्हारा मदद करेंगे, बाकी हमारा नसीब देखो, हम खुद फंस गए। तुम सच कह रही हो? तुम्हारा कसम कह रहे हैं, आप तुम्हारा कसम झूठ नहीं खा सकते। अगर तुम हमको पहले से बता के रखी होती तो ये बात हम जो है ना खुलने ही नहीं देते। जो दोनों बिल्लियों को ना शेरनी बनने का मौका मिल गया तुम्हारा ये छोटा सा गलती की वजह से। अब चलो हमारे साथ, तुम्हारे फूफा से हम बात कर लेते हैं और देखो उनसे ना तुम माफी मांग लेना है, ज्यादा कुछ बोलना मत। चलो ये तोहफा हमने विष्णु जी के लिए खरीदा था, लाइए हम आपको पहना देते हैं। सृष्टि जी, आप थैंक यू सृष्टि जी, हमें ये घड़ी है ना बहुत ही अच्छी लगी। हमने सोचा था कि कल की पूजा के बाद आपको घड़ी पहनाएंगे और आपके लिए विश करेंगे कि जिंदगी में आप समय के साथ चलें और खूब तरक्की करें। कोई बात नहीं सृष्टि जी, दादी कहती है काल करे सो आज कर। सृष्टि जी, अब आप है ना इस घड़ी में अपनी सारी गुड विशेस भर दीजिए। अब क्या घड़ी में सारी गुड विशेस भर दें? कैसे? अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगा के इसमें अपनी सारी गुड विशेस डाल दीजिए। अब इस घड़ी को है ना हमेशा पहन के रखेंगे और हमेशा आपके पास रहने का एहसास रहेगा। आपने इस हजारों की घड़ी को लाखों का बना दिया है। सृष्टि, तुम्हें पता है मिस्टर जी ना हमसे कभी कभी इतना सवाल पूछते हैं कि हमारा चुप रहना मुश्किल हो जाता है। हम कितना झूठ बोलेंगे उनसे और कब तक? रागिनी, तुम्हें थोड़ा संयम से काम लेना होगा। अगर तुम इस स्टेज पर उन्हें कोई सच बताओगी तो ना जाने उन पर क्या असर हो। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ दिन के लिए इंतजार करना होगा। दोनों को झूठा पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दे, बहुत कुछ सोच समझ कर ना हम चुप बैठे हैं। ठीक है ठीक है, लाओ इधर लाओ, आगे लाओ, और आगे बस हो जाएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, लाइए दीजिए दीजिए, यहाँ पे वाला लटकाओ। ठीक है भैया, चल लगाओ, हम बाहर लगवा के आते हैं। ठीक ना? हाँ करिए, हम कर देंगे। हाँ भाई, शर्मा जी के यहाँ ना हम चार ही डिब्बा भेजेंगे, पिछली बार जो है उन्होंने दो ही डिब्बा जान दे देंगे। हमारे देखो दिमाग खराब हो गया है, जहाँ देखो दे। अरे क्या कर रही हो, अरे बंद करो। बहुत चट्टा हो गया पूरा, अब उसको खत्म कर रहा हूँ। दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मिठाई का डब्बा है, सबको मारना चाहती हूँ का? और बैठो हमारे साथ ही, गिन के ना देना है, बैठो। काम का और बहुत काम है, रसोई कितना तेल चट्टा हम और ऐसे देखे, काम नहीं करने का तुम्हारा ही काम। भगवान लड़के भी ना ससुर, तो ये डोरी डोरी बांधना ना हमेशा से हमारे लिए समस्या। तो दिव्या भी ना सुनी नहीं रही है, इतना आवाज मार दी उसको। एक बार और ट्राई करते हैं लास्ट टाइम। है
मैं कर देता। नहीं नहीं मिस्टर जी, आपके बस का बात नहीं है, वो आप सृष्टि या दिव्या को बुला दीजिए ना, वो बांध देंगी, आप रहने दीजिए। बस का है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात तो कम है। कतरा कतरा मैं जलूं, शर्म से तेरे मिलूं, जिस्म तेरा वो मुका पिघला दूं, करवटे भी तंग हो, रात भर तू संग हो, तेरे हर एक अंग को सुलगा भीगा भीगा सा मुझको तन तेरा लगे, आजा तुझको भी लूं मन मेरा कहे। अनुराग, महारानी का महारानी का श्रृंगार कर लिए हो तो बाबूजी कब सवाज लगा रहे हैं। चलो बेटा। अरे वाह विशु जी, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। देखिएगा, आज सब आपको ही देखेंगे। श्रिष्टि जी, हम तो आज अच्छे लग रहे हैं, आप तो रोज ही अच्छी लगती हैं। आज तो आप ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। हमें तो आप ज्यादा क्यूट लग रही हैं। एक मिनट रुकिए। अरे विशु जी, इसमें तो हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, से चीज चीज। ओके, आज हम आपको तैयार करते हैं, ठीक है? एक मिनट,
से भरती हूँ तेरे देखे गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसे उड़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ जना सवरना का कार्यक्रम हो गया हो तो तनी बाहर चल के जो दिया जलाने का जो काम है ना वो पूरा कर दो जी पूरा खाना ना बनाना है सुन लिया दिया जलाने के बाद जो है वो खाना भी बनाना है समझे जी सृष्टि जी आप जाके ना रसोई का काम संभाल लीजिएगा और हम दिया सजा लेंगे लेकिन हम ना दिया जलाएंगे नहीं आप तो जानती है ना हमको आग से बहुत डर लगता है तो पहले हम आपके साथ दिए जला लेंगे उसके बाद रसोई का काम कर लेंगे ठीक है अब सॉरी ना ये सामान मुझे दे दो मैं पकड़ लेता हूँ नहीं नहीं मिस्टर जी वो हम कर लेंगे अच्छा एक सेकंड ये अभी हाँ श्रीमती जी अरे सुनिए तो वो दरवाजा पे जो है अरे विशु बाबू कैसे हैं आप हम अच्छे हैं आप कैसे अरे हम भी बहुत बेहतरीन और हमारे लिए क्या लाए हैं अरे देखो ये फ्रूट है मिठाई है ये सब है अरे वाह नमस्ते नमस्ते जी जी नमस्ते कैसे हैं ये पराग भैया वो लंदन वाला टिकट बताए थे ना आपको ओ तुम्हारा भाई हाँ हेलो
हेलो हैप्पी दिवाली जीजा जी। मामा, हमने आपसे वादा ना किया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए हम सृष्टि और बाऊजी का बात जरूर करा के रहेंगे। बस आप देखते रहिए, ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी दिवाली जरूर बोलेंगे। जी माँ। हम किचन में खाने की तैयारी कर कर आते हैं। माँ, हमको सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक काम करिए, आप बाऊजी को बुलाइए, तब तक हम उसका खोज खबर लेते हैं। जी। अरे विशु जी, कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। अनुराग जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब वो हम बुला के आते हैं। वो हमारा फोन अंदर छूट गया है, तो हम लेके आ रहे हैं। चेंज ही कर देते हैं हम। दिव्या जी, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस दिन। अरे नहीं पराग जी, उस दिन आपकी कोई गलती नहीं थी। अब तो घर वालों को भी सब मालूम है। अच्छा, वैसे हैप्पी दिवाली, मतलब हैप्पी दिवाली आपको भी। ठीक है, हम चलते हैं। तुम्हारा भाई आया है सुमेर, बुला रहा है तुमको। बहुत बेइज्जती की हो ना, अब आईडिया आया है तुमको सबक सिखाने का। भाई का मजा, बाकी कानून वाले का नाक के साथ साथ दिमाग भी बहुत तेज है। अब उसको कहीं कमक लग गया तब एक उपाय करते हैं। अब मनेगा दिवाली, हैप्पी दिवाली सृष्टि भाऊजी। सृष्टि, हमारा बात ध्यान से सुनना। हर एक चीज की सीमा होती। बाऊजी इस चीज में इतना अफसोस में, परसों उनकी तबीयत तक खराब हो गई। आज दीपावली के शुभ अवसर में मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार उनसे बात कर। भाई हम बिजी हैं, आप जा सकते। बहन को नुकसान पहुंचाने चले थे, अब झेलो दोनों भाई बहन। हाँ माँ, माँ मैं सृष्टि के साथ ही हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही कॉल करता हूँ आपको। जी। अब होगा था माँ का। सृष्टि, हमारी